हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दो शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। एंड दोनों शेयर से रिलेटेड मैंने पहले भी पोस्ट डाला था, पहले ही वीडियो डाली थी और मैंने आपको बताया था इन दो शेयरों पे नज़र रखो, काफ़ी बेहतरीन शेयर है। और इनसे रिलेटेड कुछ न्यूज़ थी, उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि हाँ, इस वजह से ये शेयर भाग सकते हैं। तो आज दोनों ही शेयर काफ़ी अच्छी तरीके से भागे हुए हैं, तो वही शेयर से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। बट इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो उन्हें भी मिलती रहे और वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठाते रहे। तो आइए हम सीधे चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जिस शेयर के रिलेटेड मैं बातें करने वाला हूँ, पहला पहला शेयर है DFM फूड लिमिटेड। मैंने ये वीडियो कुछ दिन पहले बनाया था, और उस टाइम इस शेयर का प्राइस जो था वो आज के प्राइस से काफ़ी कम था, और मैंने आपको सिंपली बोला था कि इस शेयर की तरफ नज़र रखना, क्योंकि ये स्टॉक बहुत भागने वाला है। जिस तरीके का ये परफॉर्मेंस दे रहा है और जिस तरीके से इसमें कुछ न्यूज़ थी, तो आइए हम पहले बता देता हूँ मैंने जो शेयर देखी है। जब मैंने ये वीडियो बनाई थी लगभग 20 अगस्त को, 2020 में, मतलब आज से लगभग 10 और 15 दिन पहले, तो शेयर का प्राइस कितना था? 270 रुपीज़ के लगभग था। देखिए मैंने वीडियो में लिखा भी है, DFM फूड शेयर ओनली 270 रुपीज़। नेक्स्ट नेस्ले, तो क्रैक्स क्रैक्स आपने सबने खाई है, तो उससे रिलेटेड ये कंपनी है, तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, तो इसलिए मैंने ये शेयर बनाया था। ये इस शेयर से रिलेटेड तब वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था इस पर ध्यान रखिए, वॉच लिस्ट में रखिए, और हो सके तो इस पर आप बैट भी लगा सकते हैं, बिड भी लगा सकते हैं, आप खरीद भी सकते हैं। काफ़ी छोटा शेयर था और काफ़ी बेहतरीन इसकी इन्फॉर्मेशन भी थी, तो उससे वो सारी चीज़ें मैंने शेयर करी थी। तो उस वीडियो को आप जाके देख लीजिएगा, उसका सारा फंडामेंटल मैंने इस वीडियो का कर रखा है, सब कुछ मैंने आपको इससे रिलेटेड बता रखा है। और इसके चार्ट परफॉर्मेंस की बात की जाए मैक्सिमम, तो देखिए ये 418 2017 में 418 का शेयर हुआ करता था मैक्सिमम, और आज की डेट में ये 341, तो आज भी काफ़ी पोटेंशियल शेयर में नज़र आता है। तो जिस हिसाब से मार्च में गिरा था कोविड के बाद, और फिर किस तरीके से ये बेहतरीन परफॉर्मेंस इसने दी है, किस तरीके से भागा है, इसके पीछे वजह है, तो वजह देख लेते हैं। तो देख लीजिए 2019 में शेयर जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 38.27, और प्लस कितना था कर्ज 85.05% शेयर इसमें से उन्होंने प्लस कर रखे थे, कर्ज दे ले रखा था उस शेयर से। इसी तरीके से 2019 दिसंबर में भी 38.27 85.07, बट उसके बाद दिसंबर से जब मार्च हुआ, नेक्स्ट क्वार्टर आया 2020 आया, तो आप चेंज देख लीजिए 38.27 से सीधे 73.95% की शेयर होल्डिंग पैटर्न है शेयर होल्डर्स का। इसके अलावा प्लस देखिए कोई भी शेयर कर्ज में नहीं है। इसके अलावा जून में देख लीजिए, जून में 73.91 है और कोई भी शेयर प्लस नहीं है। तो शेयर होल्डर्स का इस तरीके से अपना शेयर होल्डिंग में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कंपनी के लिए। और इनका जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरा एक फ्रेंड है, वो काम करता है इसमें, तो पूरा का पूरा मैनेजमेंट चेंज हुआ है, पूरी की पूरी कंपनी के मालिक चेंज हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो उनके पोते इस कंपनी के प्रेसिडेंट है आई थिंक, और या फिर MD है, CEO भी है। तो एक बार आप उस वीडियो को, ये वीडियो को आप देख लीजिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको DFM फूड शेयर से फंडामेंटल एनालिसिस सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये शेयर काफ़ी बेहतरीन शेयर है, 270 पे वीडियो बनाया था, लगभग 70 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हो जाता पर शेयर। इसके अलावा आइए दूसरे शेयर की तरफ बातें कर लेते हैं। दूसरे शेयर का नाम है जमना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड। ऑटो जैसे कि आपको पता ही है, मैंने इससे भी इस पर भी वीडियो बनाई थी, किस सेक्टर में काम करती है वो सब चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है, ऑटो इंडस्ट्री से रिलेटेड ये काम करती है। तो इसका परफॉर्मेंस देख लीजिए, जब मैंने ये वीडियो बनाई थी तो लगभग शेयर कितने रुपये पर चल रहा था, 44.90, लगभग 45 रुपये पे ये शेयर चल रहा था, और मैंने आपको बताया था कि इस पे नज़र रखिएगा क्योंकि ये शेयर भी काफ़ी अच्छा है, इसमें भी कुछ न्यूज़ थी। देखिए जमुना ऑटो प्रॉपर्टी प्रोमोटर्स ने बढ़ाई हिस्सेदारी, शेयर में ज़बरदस्त उछाल, तो तब भी शेयर में उछाल आया था, और आज की डेट में भी देख लेते हैं तो शेयर
डेली आज की डेट में भी लगभग 5% का इसने जंप मारा है, तो शेयर काफ़ी अच्छा है, तो आप इसकी तरफ नज़र बना के रख सकते हैं। जब पेंडेमिक हुआ था तो 23 मार्च को 22 रुपये मिल रहा था, आज लगभग 49 पॉइंट लगभग 50 रुपये का ये शेयर है, तो इसकी तरफ भी आप नज़र बना के रह सकते हैं। वीडियो ऑलरेडी बनाई है, फंडामेंटल एनालिसिस ऑलरेडी कर रखा है, सब एवरीथिंग इज ऑन द प्लेट। ओके, जाके वीडियो को, इस वीडियो को देख लीजिए, जमुना ऑटो प्रमोटर्स ने बड़ा हिस्सेदारी, इसे भी देख लीजिए, और इसका वजह क्या थी ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, तो देख लीजिए। 2019 में जून में 47.88, अगेन 47.88, कोई कर्ज शेयर प्लेज नहीं था, बट उसके बाद मार्च में 48.91। ओके, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे केवल 1% ही बढ़ाया है या 1 पॉइंट समथिंग उन्होंने बढ़ाया है, तो 1 पॉइंट समथिंग में भी करोड़ों शेयर, लाखों शेयर आ जाते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो प्रमोटर्स ने बढ़ाए हैं अपनी हिस्सेदारी, तो उसका मतलब है कि कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है। ओके, तो इसी तरह फिर अगले जून में भी उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा ली है, क्योंकि उन्हें पता है कि आगे आके ऑटो सेक्टर में क्या बूमिंग आने वाली है, और जिससे रिलेट जिस कंपनी ये कंपनी जिस सेक्टर से रिलेट करती है काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी पुरानी कंपनी भी है। ओके, प्लेज है 3.57 नो डाउट। ओके, बट कंपनी की हिस्सेदारी कंटिन्यूसली बढ़ रही है। ओके, कंपनी परफॉर्मेंस भी अच्छा दे रही है, 30 रुपये का, 20 रुपये, 22 रुपये का शेयर लगभग 50 रुपीज़ पर चल रहा है, तो इसकी तरफ थोड़ा सा नज़र बना के रख सकते हैं। छोटी कंपनी है तो ज़्यादा कल उतावले होके ज़्यादा इन्वेस्ट मत करिए, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। ओके, छोटे छोटे शेयर है तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट आप कर सकते हैं, क्योंकि इनमें रिस्क भी ज़्यादा रहता है, अगर ये बढ़ते हैं रिवॉर्ड रहता है तो रिस्क भी होता है, दोनों आर साथ में चलते हैं इनके, तो थोड़ा इसकी तरफ भी नज़र बना के रख सकते हैं। तो दो शेयर रिलेटेड मैंने हमने आज बात करी है, DFM और इसके अलावा जमुना ऑटो इंडस्ट्री, तो इन दोनों शेयरों पर नज़र रखिए। और इसके अलावा मैं आपको बता चुका हूँ कि DFM जो ये शेयर है, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं, इसका फंडामेंटल एनालिसिस पूरा हुआ पड़ा है, मैंने कर रखा है, एज वेल एज जमुना ऑटो ये वाला शेयर भी काफ़ी बेहतरीन शेयर है, इसकी तरफ भी नज़र रखिए और इस वीडियो को जाके देख लीजिए, इसमें आपको जमुना ऑटो से रिलेटेड फंडामेंटल एनालिसिस पूरा मिल जाएगा। ओके, अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और इसके अलावा लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों अपने रिश्तेदारों के साथ, और हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके सामने पेश करता रहूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।